जी सब लोगों को बधाई, सब लोग बधाई के पात्र हैं, सब लोगों को वो मार्ग। जैसे कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट की ये जल जीवन मिशन स्कीम है, हर घर जल हर घर नल, ये जो स्कीम है जहाँ पे 2,82,00,000 कुछ पॉइंट की है, तो जहाँ पे ये पंचायत में पूरे प्लान बनते हैं, तो हमारी पंचायत में ये 4 स्कीमें लॉन्च हुई थी। मेरे को लगता है कि पूरे ब्लाक बरनोटी जिला कठुआ में सबसे ज़्यादा अगर पैसा जल जीवन मिशन में लगा है तो धमाल पंचायत में, उसमें से एक स्कीम सक्सेस हो गई है और 3 स्कीमें उसकी ऑलरेडी मोस्टली उसका काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं, इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आज धमाल पंचायत में कम से कम आज की डेट में 20 करोड़ के लागत के कार्य जो चल रहे हैं, और जो हो गए हैं उनकी तो बात आप छोड़ दो। तो ये सब लोगों का, जितने भी जहाँ पे बुजुर्ग खड़े हैं, जहाँ पे पंचीज सरपंचीज जो रितु चौधरी दिन रात मेहनत करके उनके साथ उनकी टीम जितनी भी है, और सारा इन बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद है, क्योंकि ये बुजुर्ग लोग उनकी सपोर्ट नहीं करते, उन्हें वोट नहीं देते, तो मेरे को लगता है ये जो कार्य आज हो रहा है ये असंभव था। तो आप जितने भी ग्रामवासी हैं या धमाल पंचायत से, धमाल ग्राम से खासकर हमें बड़ा ज़्यादा प्यार मिलता है और बड़ा ज़्यादा आभार करता हूँ इन लोगों का। इन लोगों का शाना पहचाना हमारे लोगों के साथ सहयोग रहता है, और आगे भी मेरे को लगता है भगवान परपिता परमात्मा परमेश्वर के आशीर्वाद से, अगर उनकी कृपा रही शंभुनाथ की, तो ये पानी भी अच्छी तरह निकलेगा और लोगों को जो आज गंदे पानी की समस्या आ रही है तो उससे भी निजात मिलेगी। क्योंकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन से आश्वासन से एक गुजारिश करूंगा कि धमाल के पंचायत के लोग जो हमारे गांव के लोग हैं, 1 महीना हो गया तकरीबन इन्होंने गंदा पानी पीते हुए, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर भी कोई कंप्रेशर लगाया जाए, क्योंकि इसे टाइम लगेगा, भी हो सकता है 6 महीने लगे, 4 महीने लगे, साल लगे, उसको भी रिपेयर किया जाए। क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि आगे की नई चीज बनेगी है पुराने के भूल जाओ, पुराने को भी मेंटेनेंस करो, और नए जो लग रहा है आज, सब लोग बधाई के पात्र हैं, सब लोगों को मुबारक है, सब लोगों को बहुत बहुत सब लोगों का धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद, खासकर जो इस शुभ मौके पे आप आए, आप लोग बधाई के पात्र हो। तो मैं चाहता हूँ हमारे कुछ बुजुर्गों से आप इनसे सबसे पहले मैं मीडिया बंधु का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, जो अपना कीमती समय निकालकर हमारी धमाल पंचायत विले धमाल में पहुंचे। तो मैं ये मीडिया के माध्यम से ये बोलता हूं कि जो आज नए ट्यूबवेल की शुरुआत हो रही है श्री गणेश भोलेनाथ का आशीर्वाद से, और जनता के सभी धमाल पंचायत के आशीर्वाद से, और विले धमाल की जनता के आशीर्वाद से, मैं जनाब ये मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये हमारी विले धमाल की बहुत ही पुरानी पेंडिंग समस्या थी पानी की, हमारे सरपंच साहबान रितु चौधरी और जितने भी हमारे इलेक्टेड पंच सरपंच और सेठी जी और बुजुर्ग मातृशक्ति नारी शक्ति नौजवान शक्ति युवा शक्ति सबके आशीर्वाद से ये पंचायत के धमाल पंचायत के आशीर्वाद से ये शुरुआत हो रही है। ये हमारी बहुत ही पुरानी पेंडिंग समस्या थी ये पानी की, जो आज शुभारंभ काम का किया गया है, श्री गणेश किया गया है, नए ट्यूबवेल का मुहूर्त किया गया है आज मशीन चलाने का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये काम जैसे आज नया शुरुआत हो रहा है, मुहूर्त हो रहा है नए ट्यूबवेल का, दो इनकी लागत है नए ट्यूबवेल की 2,82,00,000, नए ट्यूबवेल और OHD जो भी बाउंड्री बन रही, जो भी ए टू जेड सिस्टम जितना भी है,
2,82,00,000 का ये शुरुआत हो रही है। मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी दिल की गहराइयों से, दमाल पंचायत की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, और पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो अरविंद रैना जी, उनके आशीर्वाद जी, डीडीसी मैडम रिमी चाड़की द्वारा, और जितने भी हमारे जो अपने हमारे ब्लॉक के चेयरमैन साहब है, क्या बोलते हैं उनका नाम, ब्रजेश्वर सिंह इंदू जी का, सबके आशीर्वाद से, सबके संयोग से हर घर जल हर घर नल, ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आदेश है, हर घर जल हर घर नल होना चाहिए। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सर ये पानी ठीक ठाक निकले, और भोलेनाथ की कृपा से शायद अच्छा, मतलब ट्यूबवेल की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पानी निकले, हमारी दमाल पंचायत की भी इज्जत रहनी चाहिए और जनता की भी, जो यही बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद, जय श्री। जो मौके पर पहुंचे और ये बधाई हमारी सब घर घर जाएगी, सभी लोग सुनेंगे, तो बोलने को कोई बाकी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता पार्टी के सीनियर बहुत होशियार है, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। तो बड़ा भारी सपना हमारे बुजुर्गों का, क्या उन्होंने तो देखा नहीं बेचारा ये सब सच होने जा रहा आज, इस बात की सबको बहुत बहुत बधाई है। तो इसी तरह से चलता रहे, बीजेपी के राज में मोदी जी ने, उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो काम हो रहे हैं बहुत बढ़िया अच्छे हो रहे हैं।